सूरज धरती पर ऐसे चमक रहा था जैसे आग बरसा रहा हो। हवा में नमी थी, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने ही वाली है। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। चिड़ियां चुप हो गई थीं। पूरी दुनिया जैसे सांस रोककर इंतजार कर रही थी। एक अकेला आदमी पहाड़ी पर खड़ा था। उसका साया तेज धूप में साफ दिखाई दे रहा था। उसका नाम था अर्जुन और वो डर और उम्मीद की नजरों से क्षितिज को देख रहा था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी, एक के बाद एक, जिसने उसे थका कर रख दिया था। लेकिन अर्जुन जानता था कि हर तूफान के बाद शांति आती है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी त्वचा पर गर्मी को महसूस करते हुए। एक ऐसे इंसान के लिए जिसने इतने तूफान झेले थे, बारिश का वादा एक अजीब सी शांति दे रहा था। बारिश की इस सफाई, नई शुरुआत का वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दूर से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई सोता हुआ दानव जाग रहा हो। हवा तेज होने लगी, धूल के गुब्बार उड़ाते हुए अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। बारिश आ रही थी। पहली कुछ बूंदें झिझकती हुई धीरे धीरे गिरी, जैसे कोई प्रेमी पानी चेक कर रहा हो। फिर मानो स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हों, जोरदार बारिश शुरू हो गई। पानी का ऐसा सैलाब जो धरती पर बरस रहा था। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, उसका चेहरा ऊपर की ओर था, बारिश को खुद पर गिरने देते हुए। उसने अपनी त्वचा पर ठंडक महसूस की, गीली मिट्टी की खुशबू को अंदर तक महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद रो रही है, उसके दुख को बांट रही है, उसके अतीत के दर्द को धो रही है। उस पल उसने एक अजीब सा जुड़ाव महसूस किया, अपने आसपास चल रहे तूफान के साथ एकाकार हो गया। जैसे जैसे बारिश होती रही, अर्जुन एक छोटी सी खाली झोपड़ी में चला गया जो उसने अपने भटकते समय ढूंढी थी। यह कुछ खास नहीं थी, लेकिन यह बारिश से बचने के लिए एक जगह थी। वह मिट्टी के फर्श पर बैठ गया, छप्पर पर बारिश की आवाज सुन रहा था। बाहर का तूफान उसके अंदर के तूफान को दर्शाता था। उसने उन घटनाओं के बारे में सोचा जो उसे इस मुकाम तक लाई थीं, उसके द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में जिनके लिए उसे पछतावा था। वह अपना रास्ता भटक गया था, उस रास्ते से भटक गया था जिसे वह सही मानता था। वह स्वार्थी हो गया था, अपनी ही इच्छाओं में अंधा हो गया था। लेकिन तूफान के सन्नाटे में उसे स्पष्टता मिली। उसने अपने तरीकों की गलतियों को देखा, उस दर्द को समझा जो उसने दिया था। वह जानता था कि वह अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन वह इससे सीख सकता है। वह एक अलग रास्ता चुन सकता था, एक ऐसा रास्ता जो मुक्ति की ओर ले जाए, शांति की ओर। जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, अर्जुन ने खुद से एक वादा किया, वह सीखे गए सबक का, उस दर्द का सम्मान करेगा जो उसने सहा था। वह इसका इस्तेमाल एक बेहतर इंसान बनने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए करेगा जो रास्ता भटक चुके हैं। वह अंधेरे में उम्मीद की किरण बनेगा, जैसे तूफान अपनी सारी क्रूरता के साथ नए जीवन का वादा लेकर आता है। बारिश पूरी रात होती रही, प्रकृति की एक अद्भुत धुन की तरह। लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ अर्जुन ने अपने कंधों से एक बोझ उतरता हुआ महसूस किया। तूफान जो शुरू में एक सजा की तरह लग रहा था, अब एक सफाई की तरह लग रहा था, एक नए जन्म की तरह। उसे साफ किया जा रहा था, उसे नई शुरुआत करने का मौका दिया जा रहा था। अगली सुबह बारिश और भी तेज हो गई, एक प्रलय बन गई। नदियां अपने किनारों से बह निकली, खेत झीलों में बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया डूब रही हो, लगातार हो रही बारिश से घिरी हुई हो। अर्जुन झोपड़ी से बाहर झांक रहा था, उसे डर का एहसास हुआ। तूफान जो शुरू में सुकून का स्रोत लग रहा था, अब उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। उसने पास के गांव के लोगों के बारे में सोचा, उनके घरों और जीवन के बारे में जो खतरे में थे। वह जानता था कि वह झोपड़ी की सुरक्षा में नहीं रह सकता, उसे कुछ करना था, कुछ भी मदद करने के लिए। उसने एक वादा किया था आखिरकार उम्मीद की किरण बनने का, और उम्मीद वह जानता था अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी थी। खतरे को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन तूफान में बाहर निकल गया। हवा उसे धक्का दे रही थी, बारिश उसके चेहरे पर चुभ रही थी। वह घुटनों तक पानी से गुजरता हुआ गांव की ओर बराह रहा था। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा,
उसने मदद के लिए चीखें सुनी। उसने देखा कि परिवार छतों पर इकट्ठा है, उनका सामान बह रहा है। उसने उनकी आंखों में डर देखा, उन लोगों का निराशा देखा जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। लेकिन उनकी आंखों में उसने उम्मीद की एक किरण भी देखी जब उन्होंने उसे देखा। वह एक अजनबी था, फिर भी वह मदद करने आया था। और उस पल अर्जुन को पता था कि उसने सही फैसला किया है। वह वही था जहां उसे होना चाहिए था, वह कर रहा था जो उसे करना चाहिए था। कई दिनों तक अर्जुन ने बिना थके काम किया, ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की, भोजन और आश्रय प्रदान किया। उसने 12 के पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने वह दिया जो वह दे सकता था, सांत्वना और प्रोत्साहन के शब्द कहे। जैसे ही उसने ग्रामीणों के साथ काम किया, उनका बोझ साझा किया, उसने शांति की गहरी अनुभूति की। तूफान जिसने सब कुछ नष्ट करने की धमकी दी थी, उसने उन्हें एक साथ ला खड़ा किया था। एक सामान्य उद्देश्य से उन्हें एकजुट किया था। उसने महसूस किया कि सबसे बुरे समय में भी हमेशा रोशनी होती है, हमेशा उम्मीद होती है। और उस एहसास में अर्जुन को अपनी मुक्ति मिली। उसने अपने डर का सामना किया था, अपनी पिछली गलतियों के लिए प्रायश्चित किया था। उसने करुणा का असली अर्थ खोज लिया था, निस्वार्थता की शक्ति को समझ लिया था। उसने अपना उद्देश्य खोज लिया था। आखिरकार कई दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद बारिश बंद हो गई, बादल छंट गए, साफ नीला आकाश दिखाई देने लगा, सूरज निकल आया 12 वाले इलाके पर सुनहरी रोशनी फैलाते हुए। अर्जुन पहाड़ी पर खड़ा था, वही जगह जहां वह तूफान से पहले खड़ा था। उसने गांव की ओर देखा जो अब धीरे धीरे वापस जिंदगी की ओर लौट रहा था। बच्चे हंस रहे थे, कीचड़ में खेल रहे थे, वयस्क अपने घरों का पुनर्निर्माण कर रहे थे। उनके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन उम्मीद भी थी। तूफान गुजर चुका था, अपने पीछे विनाश का मंजर छोड़ गया था, लेकिन यह नवीनीकरण भी लाया था, एक नई शुरुआत का मौका। और अर्जुन उस पहाड़ी पर खड़ा था, जानता था कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। उसने तूफान का सामना किया था और मजबूत, समझदार, ज्यादा दयालु बनकर उभरा था। उसने अपना उद्देश्य पा लिया था, उसे शांति मिल गई थी।